नमस्ते दोस्तों, हेल्दी लिविंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक अलग वीडियो लेकर आया हूँ, एक हेल्दी डिश कैसे बनाया जाए, वो भी लेट्यूस से। लेट्यूस जो हम सलाद के रूप से खाते हैं, लेकिन इसका सब्जी भी किया जा सकता है। देखिए, मैंने यहाँ अपने रूफ गार्डन में लेट्यूस लगाया था, उसका ये एक बड़ा सा बन गया है पौधा। इतना बड़ा हम लोगों ने इसका इसकी उम्मीद नहीं थी हमें कि इतना बड़ा भी हो सकता है। और देख रहे हैं आप लोग कि कितना सुंदर है ये हरा हरा। इसका जो पत्तियां हैं इसको काट के अलग किया जा रहा है, मेरी वाइफ तारा काट रही है। और उसके बाद उसको छोटा छोटा करके कटा जाएगा बारीक से, ताकि सब्जी बनाने में आसानी हो। लेटूस ज़्यादातर सलाद के रूप में इसको खाया जाता है दुनिया भर में। ये बहुत पौष्टिक है, लेकिन अगर आपको आप कभी कभी इसको सलाद ना लेते हुए दूसरा मतलब अगर सब्जी बनाकर खाना चाहें तो देख लीजिए कैसे हम बनाते हैं सब्जी इसका। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काटेंगे। कढ़ाई पर अभी ओवन ऑन किया है, पहले थोड़ा सा ज़्यादा है ओवन, इसको जल्दी जल्दी गर्म करने के लिए थोड़ा सा तेल डाला है, आपके जो तेल पसंद है वो डालिए। और यहाँ ज़्यादा मैंने मसाला नहीं डाला, प्याज लहसुन और लाल मिर्च सूखा हुआ। हिंदुस्तान में तरह तरह की पत्तियाँ हम लोग खाते हैं, जिसको हम साग बोलते हैं, और ये पत्तियाँ बहुत स्वादिष्ट है, इसके साथ साथ पौष्टिक भी है, इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भरा हुआ है। और इसके साथ ही हम लोग और कुछ भी इससे प्राप्त होता है, जिसे जिसके बोलते हैं कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो तरह तरह की साग हमारे जो रूफ गार्डन होता है या किचन गार्डन, यहाँ उगाना बहुत आसान है, सबसे आसान है किसी भी साग को उगाना। अपने गार्डन का जो साग होता है वो और ज़्यादा स्वादिष्ट और ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो देखिए, थोड़ा सा हम प्याज लहसुन और मिर्च को तलेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा फ्राई करेंगे तो इसका स्वाद ख़राब हो जाएगा और इसका जो खुशबू ठीक से नहीं आएगा। बस थोड़ा थोड़ा फ्राई करके उसके ऊपर पत्तियाँ, कटा हुआ जो पत्तियाँ हैं उस पर डाल देंगे। जैसा मैंने वादा किया था कि हेल्दी लिविंग का हर एक पहलू के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, तो स्वादिष्ट खाना और पौष्टिक खाना ये बहुत एक अहम पहलू है हेल्दी लिविंग का, कि आपका खाना स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी हो तो आपका सेहत बना रहेगा। इसलिए मैंने अभी से कोशिश करूँगा, मैं मेरा एक कोशिश रहेगा कि कुछ हेल्दी रेसिपीज भी यहाँ दिया जाए, एक्सरसाइज और बहुत कुछ के साथ साथ हमारा जो हेल्दी रेसिपी ये हम लोगों को मदद करेगा सेहत बनाने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। ये उम्मीद के साथ मैं इसको दे रहा हूँ यहाँ।
और देता रहूँगा, जैसा मैंने कहा था कि हम कुछ रेसिपीज़ भी देंगे अपना, तो ये यहाँ मैंने दिया और आगे भी देते रहेंगे। ये लगभग हो गया है आपके स्वाद के मुताबिक, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालिए और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। देखिए ये लगभग हो ही गया है, इसका जो हरा रंग ये रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा कुक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को शुक्रिया ये देखने के लिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और चैनल में अगर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और रेसिपीज़ हम देते रहेंगे, और हेल्थ से जुड़ी हुई हर पहलू की चर्चा यहाँ होगी कि हेल्थ कैसे, सेहत कैसे ठीक रखा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बी हेल्दी।